नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का 45वें दिन आंदोलन जारी। गांव रूपावास में तीसरे दिन भी किसान चढ़े रहे पानी की टंकी पर। सिरसा जिले के किसान करीब 170 करोड़ के क्लेम की मांग को लेकर कर रहे हैं रोष प्रदर्शन। 2017 खरीफ फसल नरमे के खराब का बकाया है क्लेम। महिलाएं भी आज शामिल हुई किसान धरने में, सरकार के खिलाफ जताया रोष। आज भारी संख्या में युवाओं ने गांवों में बाइक रैली निकालकर किसानों को दिया समर्थन। देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। आगे की रणनीति ये है कि जब तक सरकार मुआवजे की राशि रिलीज नहीं कर देती, तब तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार से किसान आत्महत्याओं के लिए टंकियों पर चढ़ेंगे। क्योंकि हमने 25 तारीख को सीएम साहब जब डबड़ी आए थे, हमारे से बात हुई थी और सीएम साहब ने कहा था कि आपकी राशि 5 दिन के अंदर अंदर मैं खातों में भेज दूंगा। लेकिन आज 24-25 दिन बीत जाने के बाद इस प्रदेश का मुखिया झूठ बोल करके ये बातें कहता है, तो उन पर विश्वास क्या किया जाए। हमारी 2017 की मांग ये है कि 2017 की हमारी नरमे की फसल खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी और उसका प्रीमियम भी कटा। 570 रुपये प्रति एक किले के हिसाब से हमारी राशि कटी और उसी राशि को लेकर के आज तक हमने जो है बहुत 43वां दिन है। आज हमने इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट सरसा की बहुत सी टंकियों पर किसान चढ़ेंगे। हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा तब तक किसान के खाते में पैसा नहीं आ जाता।